उठो ना उठो, किनिट 2023 आया है। वेलकम टू कोटा, डेली रूटीन ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, आज हम शूट कर रहे हैं डेली रूटीन वीडियो। तो जो लोग भी नीट एस्पिरेंट है, नीट में अभी लगभग 74 डेज बचे हुए हैं, तो जो लोग भी नीट एस्पिरेंट है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो लोग भी नीट एस्पिरेंट है उनको पता चलेगा कि अभी का जो सिचुएशन है, अभी बस कुछ महीने बचे हुए हैं, 2-2.5 महीना बचा हुआ है, तो अभी एक नीट एस्पिरेंट का क्या रूटीन होता है पूरा आज के वीडियो में हम आपको पूरा अपना 24 घंटे दिखाने वाले हैं कि अभी जो भी नीट 2023 के एस्पिरेंट हैं उनका डेली लाइफ कैसा होता है कोटा में। और ऑनलाइन क्लास PW से मैं करता हूँ, तो भी हमारा कितना हेक्टिक डे चलता है और कैसे हमारा पूरा 24 घंटा ख़त्म होता है, सब कुछ पूरे इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है, तकरीबन 7 बज रहा है, तो 7 बजे भी हम उठे हैं, अभी जाकर ब्रश वगैरह करना है, फ्रेश होना है और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना है। तो आप लोग भी वीडियो पर बने रहिए, पूरा 24 घंटे आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कहीं ना कहीं जो लोग भी नीट 2023 के एस्पिरेंट है उनके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेटेड वीडियो भी होने वाला है, ताकि आपको भी पता चलेगा कि अभी हमारा लाइफ कैसा चलता है, हमारा पूरा डे कैसे निकलता है, सब कुछ पूरा आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं और ब्रश कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा टूथपेस्ट और ब्रश भी होगा यहीं कहीं, और गाइस ब्रश नहीं मिल रहा है, ब्रश यहाँ पे है गाइस, देखिए यही साइड आ चुका है, यहाँ से ब्रश को लेते हैं। बाकी कल रात को जो पढ़ाई की थी अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है, अभी सब कुछ सही करना है और फिर से यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए बैठ जाना है। तो ये रहा मेरा क्लोजअप और मेरा ब्रश। तो अभी चलते हैं और ब्रश करते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए, कुछ इस टाइप का है यहाँ मेरा, यहीं पे हमें ब्रश करना पड़ेगा। और गाइस ये है मेरा वॉशरूम जहाँ हम लोग नहाते हैं। तो गाइस हमारा जो ब्रश है वो कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा फेस वॉश करना है। उससे पहले ये लगाना है ताकि बाल पे ना लगे, तो ऐसे लगा लेना है। तो गाइस हमारा जो फेस वॉश और ब्रश है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब चलते हैं रूम में और फेस वगैरह सब कुछ साफ करके और फिर पढ़ने बैठते हैं। तो गाइस इसमें मेरा टॉवल तो निकाल लिया जाए। तो गाइस अभी रूम से निकलते हैं, चलते हैं चाय पीने। तो लाइट किया जाए बंद और रूम किया जाए लॉक। तो गाइस रूम को हमने कर दिया है लॉक, तो अब जल्दी से चलते हैं और जल्दी से चाय पी कर आते हैं। बाकी थोड़ा सा बाहर का व्यू आपको दिखा देते हैं कैसा है। तो देखिए बाहर का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बाकी हमारे पार्टनर लोग जो भी है अभी सब सो रहे हैं, लेकिन हम उठ चुके हैं तो जल्दी से अभी चलते हैं। सुबह सुबह गाइस बहुत अच्छा लगता है बाहर जाके चाय पीना, मज़ा आ जाता है, और चाय पीने के बाद पढ़ाई करने का अलग ही मजा है। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yes. तो गाइस अभी चाय पी के वापस आ चुके हैं, तो 7 बजे के आसपास तकरीबन हम लोग उठे थे और अभी टाइम हो रहा है 7:45, ठीक है। तो गाइस अभी से पढ़ने बैठेंगे और देखते हैं कि कब तक पढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी से, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो गाइस पहले इसका लेक्चर कम्प्लीट करेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे फिजिक्स।
स्टार्ट हो चुका है, लाइट कट गया, तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक लाइट नहीं आता, क्योंकि हमारे रूम में इन्वर्टर का ऑप्शन नहीं मिला है और हमने कोई लाइट भी नहीं रखा है। वैसे लाइट करता नहीं, 5-10 मिनट के लिए करता है। अब गर्मी का मौसम आ गया तो पता नहीं कल से कट रहा है, कल भी 10 मिनट के लिए कटा था, आज भी कट गया, तो देखते हैं कितना देर में लाइट आता है, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं या लेक्चर देख लेते हैं। वैसे भी अभी कुछ नोट्स नहीं बना रहे, अभी लेक्चर ही देख रहे हैं, तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, तो लेक्चर ही देख लेते हैं, तब तक आई थिंक लाइट आ जाएगा। तो गाइस हमारा जो पहला लेक्चर था जियोलॉजी का वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी टाइम हो रहा है 10:08 और 7:50 के आसपास हम लोग बैठे थे, तो तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट के आसपास हमने पढ़ा है, तो 1 घंटे और 50 मिनट्स का ये लेक्चर था, लेकिन बीच में 10-15 मिनट लाइट कट गया था, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। तो अभी हमारा जो जियोलॉजी का सेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लेंगे एक वाटर ब्रेक, पानी भी खत्म हो गया, नीचे से लाना पड़ेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनी, उसके बाद फिर नहा धोवा कर उसके बाद जाएंगे खाना खाने, फिर खाना खा कर आएंगे, फिर थोड़ा सा आराम करके और उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करके उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा बॉटल, तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे से पानी लेकर आते हैं। तो लॉक कर दिया है और अभी हम चलते हैं और नीचे से पानी लेकर आते हैं। यहाँ हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, बैठ के गाना सुन रहे हैं। तो गाइस हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया जियोलॉजी का, तो पानी वानी तो ले आए हैं, तो अभी 5-10 मिनट आराम कर लिया जाए, 10:11 हो रहा है, तो 10:20 में फिर बैठेंगे और उसके बाद बॉटनी का एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो गाइस अभी हमें बॉटनी में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट लेक्चर, तो ओपन कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा बॉटनी का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो गाइस अभी समय हो रहा है 11:53, तो तकरीबन 12 बजने वाला है, तो हमारा जो लेक्चर कंप्लीट हो गया, अब आगे का जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा तो वो मिस से खाना खाने के बाद हम लोग करेंगे, तो अभी इसको यहीं पे बंद कर दिया जाए। तो गाइस अब चलते हम लोग नहाने के लिए, तो चलते नहाने। तो गाइस नहा वहा कर रेडी हो चुके हैं, तो अब चलते हैं मेस की तरफ और मेस से आते हैं खाना पीना खा के, तो लाइट को किया जाए बंद, दरवाजा खोला जाए और फिर से दरवाजा को बंद किया। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं मेस में क्या बना है, जो भी बना होगा खाना तो पड़ेगा ही, मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट मेस में। तो गाइस खाना वगैरह खा के हम वापस आ चुके हैं रूम पे, कद्दू का सब्जी था, चावल था, रोटी था, दही था और मिर्ची का अचार था। तो गाइस अभी तकरीबन समय हो रहा है 2:12, तो अभी से हम पढ़ना चालू करेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि 2 घंटा लग गया नहाने में और खाना खाने में, तो 2:13 हो रहा है, अभी से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, देखते हैं कब तक पढ़ते हैं, एक लेक्चर करना है केमिस्ट्री का। तो गाइस हमारा जो केमिस्ट्री का क्लास है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी समय हो रहा है 4:39, तो केमिस्ट्री का हमारा क्लास खत्म हो गया, बच रहा है बस आज का फिजिक्स का क्लास और उसके बाद रिवीजन करना है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यूट्यूब वीडियो शूट करेंगे, इतना तो सबको ही करता है, मतलब जो स्टार्टिंग सुबह से हम किए हैं, बट मेरा एक यूट्यूब थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो यूट्यूब के लिए भी 1.5-2 घंटा समय देना पड़ता है, तो अभी हम लोग यूट्यूब वीडियो शूट करेंगे।
तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने अपना टी शर्ट को चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पे चेयर दिखाइएगा इस पे अभी बैठ के हमको वीडियो बनाना है। यहाँ पे मेरा लाइटिंग का सेटअप देखिए, ये है मेरा ट्यूबलाइट, एक वहाँ ऊपर में ट्यूबलाइट है, एक पीछे में बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं कि जुगाड़ करके एक एक्सटेंशन लाया गया है ताकि ये ट्यूबलाइट जल सके। तो अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने वाले हैं यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब के लिए भी दो घंटा निकालना पड़ता है। दो घंटा में मेरा वीडियो शूट, एडिटिंग, थंबनेल बनाना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, जो भी होता है अपलोडिंग करना, सब कुछ दो घंटे के अंदर में हो जाता है। तो 24 घंटे में से रोज मुझे दो घंटा निकालना होता है यूट्यूब के लिए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो पे आप लोग बने रहिए। सो गाइस 5 बजे केमिस्ट्री का क्लास कंप्लीट करके और उसके बाद हम उठे थे और उसके बाद हम यूट्यूब वीडियो शूट किए थे और उसके बाद यूट्यूब वीडियो को शूट करने के बाद एडिट वगैरह सब कुछ करते करते 7 बज गया था। तो उसके बाद गाइस हमने आधा घंटा आराम किया और 7:40 के आसपास हम मेस गए थे और मेस से खाना खाकर आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:22, ठीक है। तो 8:22 हो रहा है तो अभी 8:30 से हम लोग पढ़ने बैठेंगे और 8:30 से लेके और 10:30 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद 1.5 घंटा हम लोग जितना भी आज दिन में पढ़ाई किया है या जो भी पीछे का थोड़ा सा बैकलॉग होगा या तो वो कंप्लीट करेंगे या एक दो चैप्टर रिवीजन करेंगे, वन शॉट देख के या नोट्स से रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस अभी 8:32 हो रहा है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो गाइस हमारा फिजिक्स का लेक्चर हो चुका है कम्प्लीट और 8:30 के आसपास हम लोग बैठे थे और अभी टाइम हो रहा है 11:27, मतलब कि तकरीबन 3 घंटा होने वाला है। तो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है बट फिर भी आधा घंटा हम पढ़ाई और कर सकते हैं। तो 5 मिनट का लेंगे वाटर ब्रेक और 25 मिनट में हम एक चैप्टर बायो का रिवाइज करेंगे, कोई सा भी एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो गाइस फाइनली हमने रिवाइज कर लिया है जितना भी हो पाया आज और बस अब इससे ज्यादा हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है। तो गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 12:03 और अभी हम जा रहे हैं सोने और अभी सोएंगे तो फिर 6:30 या 7 बजे के आसपास फिर से उठेंगे और उसके बाद फिर से यही जो रूटीन है ये फिर कल भी फॉलो होगा। तो ऐसे करके अभी हमारा लाइफ चल रहा है एज ए नीट एस्पिरेंट, नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये जो मेरा डेली रूटीन वाला वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे वो भी सबसे पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।